हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो प्यारे बच्चों, बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी सेकंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट 10 लेक्चर तक हम लोगों ने वीबीटी एंड सीएफटी को कंप्लीट कर लिया है। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को देखा है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आप लोगों ने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना सीख लिया था, आप लोगों ने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना सीख लिया था, और आप लोगों ने क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बनाना सीख लिया था। तो चलिए गाइस, आज मैं एक कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय प्रकृति ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, या कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रकृति। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए भाई, सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की या किसी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती हैं, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। या आप लोग हिंदी में डाल सकते हो हेडिंग कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रकृति, आप लोग चाहे तो लिख सकते हो, यहां पर ब्रैकेट में डाल सकते हो चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति बड़ी शानदार टॉपिक है, चुंबकीय प्रकृति, और हम लोग इसको डील करते हैं। ओके, चलो करते शुरू, फटाफट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए भाई। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स देखना है। अब कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स बेसिकली ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, या तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मिलेगा, या फिर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मिलेगा। अब सवाल ये पूछेगा कि इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, ये चुंबकीय प्रकृति कैसे शो करेंगे, ये प्रतिचुंबकीय बनेंगे कि अनुचुंबकीय बनेंगे, ये रंगीन बनेंगे कि रंगहीन बनेंगे, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसको समझने से पहले मैं सीधी सीधी आपको दो तीन बात ही बताना चाहता हूं। जब भी चुंबकीय प्रकृति की बात होती है तो यहां पर आपको एक बात याद रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हां ना बोलो बेटा जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आप लोग क्या बोल सकते हो हिंदी के अंदर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में सीधा संबंध होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में सीधा संबंध होता है। हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पैरा मैग्नेटिक बनता है, और यदि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था में होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो थोड़ा सा पानी पी लूं भाई, मेरा ठीक नहीं थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोगों को सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में नजर आते हैं, इसका मतलब यह हुआ अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में है, अरे कपल के रूप में है, अरे लोग लुगाई जैसे हैं, एक लोग एक लुगाई, मतलब कपल के रूप में मौजूद है, इसका मतलब उसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी भाई, डायमैग्नेटिक होगी। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला आ जाए, अरे कंवारा इलेक्ट्रॉन आ जाए, कंवारे से मेरा मतलब होता है अकेला आ जाए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, अकेला है, चाहे तो ऐसे रहे, उसकी मर्जी है ऑर्बिटल में कैसे रहना चाहेगा वो। तो जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आता है तो आपका नेचर बन जाता है तुरंत पैरामैग्नेटिक। तो समझाने की कोशिश करता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सीधा संबंध होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अब ये नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, चलो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। प्यारे बच्चों, जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उसका पता लगता है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, लिगेंड का नेचर देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं बेटा जी, लिगेंड का नेचर देखते हैं, लिगेंड्स नेचर देखते हैं हम लोग, लिगेंड्स नेचर, लिगेंड की प्रकृति को देखते हैं। अब आप लोगों को पता है बेटा जी, आप लोगों ने दो प्रकार के लिगेंड पढ़े थे, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, एक तो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ ना बोलो बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
अरे समझने की कोशिश करना। और एक आप लोगों ने पढ़ा था वीक फील्ड लिगेंड, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, वीक फील्ड लिगेंड, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को यह सब कुछ बता दिया था कि वीक फील्ड लिगेंड कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब होगा, जाके वो लेक्चर देखें। ओके, तो ये जो लिगेंड का नेचर होता है, जो लिगेंड का नेचर होता है ये हमको बताता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या कहा था, जब आप लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बेटा जी, पेयरिंग हो जाएगी। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे इसका मतलब, अरे बेटा जी इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाला, जिसे आप लोग वीबीटी के अंदर क्या बोलते हो, वीबीटी के अंदर आप लोग ऐसा बोलते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर वीबीटी की बात करूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या बोलते हो कि अंदर वाले कॉम्प्लेक्स काम आएंगे या अंदर वाले ऑर्बिटल काम आएंगे। वीबीटी क्या कहता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लोग लेते हो तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा बनेगा बेटा जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। लेकिन अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करता हूं तो वीक फील्ड लिगेंड में इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो पेयरिंग करवा सके। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। अब ऐसे में वीबीटी क्या बोलती है, इसमें वीबीटी बोलती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझने की कोशिश करना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब इसमें तो अंदर वाले ऑर्बिटल भाग लेते हैं और इसमें बाहर वाले, मतलब n माइनस डी। वीबीटी की बात करूं तो क्या बोलोगे, n माइनस डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यहां पे कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। चलो मैं आपको इसी टॉपिक में और अच्छी फिनिशिंग लेकर आता हूं ताकि आपको सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। लिगेंड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, कब ये वीक की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी और देता हूं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देता हूं, आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है यहां पे जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। हां ना बोलो बेटा जी, पेयरिंग एनर्जी को मानो मैंने पाई के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। यस, जबकि वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन क्या होती है, जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से। हाँ ना बोलो बेटा जी, तो आप लोग क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता है। अब आप लोगों को 2-4-5 कॉम्प्लेक्स मिल जाए, ओके, 2-4-5 कॉम्प्लेक्स मिल जाए और आपको ये पूछे कि आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रखता है या नहीं रखता है, रखता है तो कितना रखता है, वो सब बातें अपने को करनी है। यस और नॉट, एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं कि आप सब लोग दिख रहा है क्या भाई आप लोगों को। चलो बहुत साफ नजर आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना आप सब लोग, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हाय 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 हाय, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आप लोग उसको क्या बोलते हो, चुंबकीय आघूर्ण, क्या कहते हो बेटा जी, चुंबकीय आघूर्ण। समझने की कोशिश करना आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण कहते हो। अब मेरे को एक बात इतनी सी बता दीजिए आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है भाई, वो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एन एन प्लस टू, एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन, इसकी यूनिट होती है। हाँ ना बोलो बेटा जी, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन का मान होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ ना बोलो बेटा जी, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यस और नॉट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या। अब मेरी बात सुन लीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाए, उस कॉम्प्लेक्स में सबसे, जैसे मान लो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल गया Fe H2O होल 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है प्लस 2, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद में डी ऑर्बिटल में देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। माना दो आएंगे, माना, लेट सपोज मान लिया दो आएंगे, तो एन की जगह क्या लिखेंगे अपन, दो लिखेंगे,
यहां दो और यहां दो लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके उसका रूट ले लेंगे, यस और नो, ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे बढ़ाता हूं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जानकारी देता हूं। तो फटाफट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब भी बात होगी तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब भी बात होगी तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सीधा संबंध होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यदि किसी कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। बोलो बेटा जी कैसा नेचर उसका, पैरामैग्नेटिक उसका नेचर होता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं बेटा जी, अनुचुंबकीय बोलते हैं, हाँ ना, बोलो बेटा जी। अगर मैं बात करूं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ों के रूप में होते हैं, तो उसका नेचर होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है बेटा जी, डायामैग्नेटिक उसका नेचर होता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आप लोग, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पर, हाँ ना, बोलो बेटा जी। ये डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड के नेचर पे करेगा, और लिगेंड कैसे होते हैं, कब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, कब वीक की तरह बिहेव करते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 3rd या 4th के अंदर आप लोगों को बता दिया है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं, उनमें से कोई भी एक सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। फटाफट मुस्कुराकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए भाई। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी मैं आशा करता हूँ जो अभी आपको छोटा सा मैंने टॉपिक समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्या लिखोगे भाई, अष्टफलकीय संकुलों में चुंबकीय प्रकृति, यस और नोट, संकुलों में चुंबकीय प्रकृति। यहां से एक सवाल आपको मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चुंबकीय प्रकृति। चलो बेटा जी आ जाइए, फटाफट आ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए बढ़िया तरीके से, पानी वानी पी लीजिए भाई, ये समझ लीजिए बस, खाली आराम से कॉन्सेंट्रेट होके इस लेक्चर को आप लोग देखिए, सब समझ में आने वाला है। पूरी आशा के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। रात का काफी वक्त हो चुका है, रात के वक्त होने के बाद भी भाई गला देख रहे हो भाई, एकदम भारी भारी आवाज नजर आ रही होगी भाई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे अपना सिलेबस भी अपने को जल्दी कंप्लीट करना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वो वहां से फिजिकल पढ़ लेंगे, यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, 2 चैप्टर बाकी रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी फ्री हो जाओ ताकि आप सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर कर सको और केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स ला सको। अगर आपके केमिस्ट्री में बढ़िया मार्क्स आते तो प्लीज हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करना भाई, हमें कुछ बताना कि सर हमारे इतने नंबर आए और आपकी कुछ हेल्प हमें मिली थी एग्जाम्स के टाइम पे, यस और नॉट, ठीक है। चलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का जो आप लोग डायग्राम बनाते हो, मैं डायरेक्टली यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है भाई, गला थोड़ा बैठ रखा है, सर्दी का मौसम हो जाता है, ठीक है। चलो आप ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करवाते हो, याद करो फटाफट याद करो, अरे ईजी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, T2G ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं, अरे याद करो, ये मैंने क्या बना दिया, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड नहीं बनाया अब मैं भाई। और यहाँ पे भाई मैंने क्या बना दिया, जल्दी जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने बना दिया ये डब्ली डी जनरेट ईजी, यहाँ पर मैंने बना दिया T2G, यस और नॉट। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसका कॉन्सेप्ट मेरे को भी ध्यान में नहीं रखना है, अब मुझे क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। वैसे मैंने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भरना सिखा दिया पहले लेक्चर में, तकरीबन 7वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, 6ठा 7वां लेक्चर, वहां पे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते वो मैंने बता दिए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स भरने के दो तरीके हैं। मैं यहां पे एक और डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं चाहता हूं आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए भाई, एग्जाम में जब बैठो ना कि आपको सब आना चाहिए भाई, सब आना चाहिए।
ओके, तब तो आएगा मजा। आपने बना दिया, ये भी आप किसका बना रहे हो, ये भी ऑक्टाहाइड्रल का बना रहे हो और आपने यहाँ पे बना दिया। देखो बनाने का सेम टू सेम है भाई, लेकिन इसको उल्टा करके बना दिया मैंने। ये T2G है आप लोगों का और ये कौन सा है, EG ऑर्बिटल है। समझने की कोशिश करना, एक तरफ मैं लिखता हूँ प्रबल लिगेंड, एक तरफ मैं लिखता हूँ दुर्बल लिगेंड। हाँ ना, बोलो बेटा जी। देखो पॉइंट को पकड़ना आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके, यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके, प्रबल लिगेंड, यहाँ पे मैंने लिखा वीक लिगेंड, ओके, वीक लिगेंड। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नाम आ गया, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नाम आ गया, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। हाँ ना, बोलो बेटा जी। और जैसे ही वीक लिगेंड का नाम आ गया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हो इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जो डेल की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, पाई। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो डेल की वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है, पाई। हाँ ना, बोलो बेटा जी। इतनी बातें आप लोगों को पता है। चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ D1 से लेके D10, D1, D2, D3, D4, D5, ओके। चलो प्यारे बच्चों आप बताओ, मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। और सबसे पहले आप लोग जानते हो नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरे जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हुंड के नियम के अनुसार भरते हैं। और हुंड का नियम क्या बोलता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर बाद में पेयरिंग होगी अगर स्ट्रांग होगा तो। एक भर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना इसका, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग बोलोगे सर T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और EG में अभी तक कुछ नहीं आया भाई, खाली पड़ा है, यस और नॉट। अब मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा। हुंड क्या बोलता है, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में पेयरिंग होती है। जैसे आपने दो इलेक्ट्रॉन भरे तो D2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना, जल्दी बोलो बेटा जी। T2G में अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलोगे दो। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलोगे जीरो, यस और नॉट। चलो अब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन्स भर दिया यहां पर और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, यहां पर आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, अब की बार T2G के अंदर कितने आ गए बेटा जी, 3 आ गए और EG में अभी भी कितने हैं, 0 है। अब देखो प्यारे बच्चों यहां से मेन कहानी शुरू होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, 1, 2, 3 तक इलेक्ट्रॉन सभी में समान तरीके से भरे जाएंगे, चाहे तो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ओके। यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का सेम आएगा। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है प्यारे बच्चों, ये क्या करवाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएगा तो आप प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नहीं भर सकते हो, क्योंकि जो प्रबल लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाता है, क्योंकि उसमें डेल का मान पाई से बहुत ज्यादा होता है। तो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा ऑपोजिट स्पिन के साथ में, यस और नॉट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा बेटा जी, T2G4, EG में अभी भी कितने हैं बेटा जी, 0 है। चलो पांचवा इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे, सर पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करता हूं तो पेयरिंग करवानी है। तो क्या बनेगा भाई, T2G5, EG0, यस और नॉट। अब ये पांच भर चुके हैं, छठा इलेक्ट्रॉन लेकर आना है। ये लो मैं छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर लेकर आ गया तो छठा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यस और नॉट। तो D6 का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो तो क्या बनेगा बेटा जी, ये बनेगा T2G में तो आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ना बोलो बेटा जी, और EG में आ गया 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो समझने की बात यहां से शुरू होती है। अब आ गया D7, यहां पे आ गया D8, यहां पे आ गया D9 और यहां पे आ गया D10। ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, अरे आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा जोश नहीं है भाई, लेकिन फिर भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 6 तो भरे जा चुके हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएगा। 7वां इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर जगह ही नहीं आने के लिए, क्योंकि एक डब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए, तो 7वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर, यस और नॉट। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, T2G तो फुल भर गया, अरे कंप्लीटली फिल है, EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं 8वां इलेक्ट्रॉन भरूं तो यहां पे भरूंगा, यहां जगह नहीं तो यहां आएगा, हाँ ना बोलो बेटा जी। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, T2G क्या है, कंप्लीटली फिल है, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए।
ओके, अगर मैं नवा इलेक्ट्रॉन भरू यहां पर तो ये नवा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, दसवा भरू तो इधर तो दसवा यहां पर आएगा। तो नवे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2G7 और सॉरी T2G7 हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, T2G6 Ag3 और इसका क्या बनेगा T2G6 Ag4। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में लिखा है। प्यारे बच्चों, जो प्रबल लिगेंड होता है, तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, इस चौथे इलेक्ट्रॉन्स को ईजी में ना भेज के इस T2G में ही रखने की कोशिश करता है। क्यों? प्रबल लिगेंड की एक खासियत होती है कि इसमें ये डेल का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये सवाल आपको खुद करना है बेटा जी, ये सवाल आपको खुद करना है। D1 से लेके D10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं वीक लिगेंड की उपस्थिति में। हाँ ना बोलो बेटा जी, कर लोगे ना भाई, आराम से हो जाएगा भाई, यहां तक तो सेम आएगा। अरे बेटा जी सोच लो ना भाई, तीन तक तो सेम आएगा, लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे मान लीजिए अरे एक दो तीन, लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो दुर्बल की उपस्थिति में वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पांचवा भरूंगा तो वो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। छठा भरूंगा तो फिर बाद में पेयरिंग शुरू होती है। सातवां यहां भरा, सातवां ये आ गया। आठवां यहां भरा, आठवां ये आ गया। नौवां यहां भरा, नौवां ये आ गया। दसवां यहां भरा, फिर दसवां ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से वीक लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का भरना। हाँ ना बोलो बेटा जी, यहां पे लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, इधर देख लो। डी ऑर्बिटल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन्स रहे, इसके आधार पर हम लोग उसकी चुंबकीय प्रकृति देखते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, जब इलेक्ट्रॉन्स एक भी अयुग्मित आ जाएगा तो नेचर बनता है बेटा जी पैरामैग्नेटिक। कैसा बनेगा? पैरामैग्नेटिक बनेगा, जो कि पहले भी मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं बेटा जी आप लोग अनुचुंबकीय। क्या बोलते हो? अनुचुंबकीय। ओके बेटा जी, यस और नॉट? ठीक है, देखो, और युग्मित हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहोगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। और इसका नेचर कैसा होता है बेटा जी? प्रतिचुंबकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक को। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग लिख लो ना अभी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर हाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अपनी ईमानदारी का परिचय देना आप सब लोग, ठीक है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्स करता हूँ मैं सॉल्व, उनमें से दो चार एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूं और चार पांच एग्जाम्पल जो है आपको खुद को करना है भाई, और बड़े आसान तरीके से करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए अगर नोट्स बना लिए हैं तो। काफी रात हो चुकी है भाई, आप लोगों से गुजारिश है बढ़िया तरीके से बनाए, बढ़िया तरीके से आप लोग करें। ओके चलो, दो तीन एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर, आपको करना है, सोल्व करना है बेटा जी। मैं लिखा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है MnH2O होल सिक्स, और यहां मैंने लगा दिया +2 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो कि आपको ट्राई करना है, करते रहो ट्राई भाई, Fe F6 -3 के -2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है वो आपका है, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, Fe CN6। इतने सारे एग्जाम्पल याद नहीं हो सकते भाई, बस इनको सोल्व करने का ट्रिक अपने को पता है, -3। एग्जाम्पल नंबर फोर है Fe H2O +2 Fe H2O होल सिक्स प्लस टू,
ओके सारे एग्जाम्पल मैं नहीं सोल्व करवाऊंगा, सिर्फ एक बताऊंगा मैं आप लोगों को, चलो दो बता देता हूं। एक एग्जाम्पल है Ni H2O whole 6 और यहां लिख दिया मैंने +2। हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, चलो बहुत बढ़िया। और एक एग्जाम्पल और है क्या? हाँ एक एग्जाम्पल हो रहे, एग्जाम्पल नंबर 6 वो ये है FeCN6-4 FeCN6-4। अब देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स अपने को सोल्व कर रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों होता क्या है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन तो प्रतिचुंबकीय है और कौन कौन अनुचुंबकीय है। ओके पहली बात, पता कैसे लगेगा? युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से पता लगेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर आ जाए उसका नेचर कैसा रहेगा भाई? पैरामैग्नेटिक। और सारे इलेक्ट्रॉन्स युग्मित आ जाए नेचर कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको यह पता लगाना है कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका मान कितना आएगा। आप लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लोगे तो उसको फॉर्मूले में पुटअप कर देना, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन। आप वहां से निकाल सकते हो, कैलकुलेट करके उसका रूट आप लोग ले लेना। ठीक है मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। ओके चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर वन। बड़े ध्यान से आप लोग देखना प्लीज प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है MnH2O का होल 6 प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो आप लोग निकालोगे Mn की ऑक्सीडेशन प्लस 2 आती है। हाँ ना बोलो बेटा जी, जब Mn प्लस 2 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आता है 3d5 and 4s0, क्योंकि पूरा Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 3d5 4s2 होता है, प्लस 2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए। ओके तो अब मुझे क्या करना है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करनी है कुछ इस तरीके से। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, और आप लोग जानते हो इसमें स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होती है, दो ऊपर और तीन नीचे। अरे तीन नीचे कौन से बेटा जी, ये T2g है और ये कौन है, Eg है। चलो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मेरे को बता दो फटाफट, आप लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं डी ऑर्बिटल में? 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने? 5। ये डी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं। हाँ ना बोलो बेटा जी, अब देखो H2O को चेक करो सबसे पहले। हाँ ना बोलो बेटा जी, H2O किसकी तरह बिहेव करेगा? दुर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। प्लस 2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है और 3D इसका क्या है, एलिमेंट है। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 3rd या 4th में बता दिया है। तो जब ये H2O वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, यस और नोट। तो सबसे पहले इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऐसे करना है सारे क्वेश्चन को सोल्व। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा जी? अरे T2g3 Eg2 बना। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब मैं इसका क्या निकालता हूं, मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं। देखो बेटा जी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, ये इसका फॉर्मूला होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, यस और नोट। एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5। फटाफट देख लीजिए क्या करोगे आप लोग, म्यू इज इक्वल टू, यहां पे आप लोगों ने लिखा एन की जगह 5, 5 प्लस 2, बोहर मैग्नेट्रॉन। बताओ बेटा जी कितना आएगा, इधर देखो 5 और 2, 7, 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35, तो 35 का आपको रूट लेना है। तो देखो आपको रूट की वैल्यू याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एक बात बताओ आप लोगों को, बट इतना पता है रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, बट यहां पे रूट 35 से मतलब 5 point कुछ आएगी, तो यहां पे जो डाइपोल मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलता है वो होता है 5.92 के अप्रोक्स, 5.92 के अप्रोक्स निकलता है बोहर मैग्नेट्रॉन।
आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आप लोगों ने इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने क्या क्या लिखा, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाई और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और डायपोल मोमेंट का मान, सॉरी डायपोल नहीं मैग्नेटिक मोमेंट का मान आप लोगों ने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इसका नेचर कैसा होगा? आप यहां लिख सकते हो पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते ही पैरा मैग्नेटिक, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अनुचुंबकीय बोलते हो, अनुचुंबकीय बोलते हो। हाँ ना बोलो बेटा जी, इंग्लिश में हिंदी में डाउट हो सकता है, वैसे याद करो पैरा मैग्नेटिक। पहला क्वेश्चन सॉल्व, सब कुछ ऐसे करना है। देखो बेटा जी, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नंबर एक मैंने बता दिया, दो सेल्फ करना है, होमवर्क है आपका भाई, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। चेक करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो मेरे सभी बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद में दो लेक्चर और बनेंगे, एक तो CFAC का बनेगा और एक बनेगा CFT को प्रभावित करने वाले कारक, फिर ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा। अगर आप लोगों को भाई ये लेक्चर सच में समझ में आया है, कुछ आपको डाउट्स रहे तो कमेंट कर देना, बट प्लीज़ हर बार मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक में, सभी जगह भाई इस लेक्चर को फैलाएं, इस चैनल के बारे में सबको बताएं, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। आप लोग देखना एग्जाम में जो सवाल बनते हैं ना भाई, एक भी सवाल हम छोड़ नहीं रहे, सारे क्वेश्चन आपके इन लेक्चरों से हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 11 है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, नोट्स बनाएं, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होंगे इस चैप्टर के तो फिर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।